क्या AIFF के पास पैसा नहीं है? अगर पैसा है तो वो क्यों अपने ऑफिसर्स को, क्यों अपने ऑफिशियल्स को पैसे नहीं दे रहे हैं? प्लस आज एक और काफी संगीन एलिगेशन लगाया गया है कल्याण चौबे एंड प्रेसिडेंटशिप ऑफ AIFF के ऊपर, AIFF की वर्किंग के ऊपर काफी एलिगेशन लगाया आज, एक वो भी स्ट्रॉन्ग एलिगेशन। एंड आज फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जो इंडिया का मैच होना है कुवैत के साथ, इंडिया में ही उसका स्टेडियम भी डिसाइड हो गया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो एक और दिन एंड एक और मसला सामने आ चुका है AIFF का एंड उनकी करतूतों का। अब धीरे धीरे सारे राज खोल रहे हैं, चाहे मैं बात करूं बाईचुंग भूटिया की, जिन्होंने कुछ दिन पहले एलिगेशन लगाया कल्याण चौबे के ऊपर, एंड आज लीगल ऑफिसर ऑफ AIFF निलंजन भट्टाचार्य, उन्होंने लगाया है इल्जाम प्रेसिडेंट के ऊपर, ऑफ कोर्स जो कि है कल्याण चौबे एंड AIFF के ऊपर, के बिना बताए, बिना लीगल रिव्यूज के AIFF बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं पैसों की, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप्स कर रहे हैं विदाउट कंसीडरिंग टू टेक द रिव्यू फ्रॉम लीगल सिस्टम। लीगल जो ऑफिसर्स होते हैं उनका काम यही होता है कि बड़ी बड़ी डील्स में क्या लूप होल्स हो सकते हैं, क्या ये पॉजिटिव एक डील है या नहीं है, कैसे होनी चाहिए ये डील, वो काम होता है लीगल ऑफिसर्स का। बट विदाउट लीगल ऑफिसर्स कंसीडरेशंस, जो AIFF के अपने लीगल ऑफिसर्स हैं, AIFF अपने ही बड़ी बड़ी डील्स करी जा रही है, जिसमें इंडिगो के साथ जो 7 करोड़ की डील हुई है वो भी इसमें शामिल है, विदाउट कंसीडरेशन ऑफ लीगल रिव्यू, बिना ही उसके डील कर ली गई है इंडिगो के साथ भी। प्लस जो निलंजन भट्टाचार्य हैं उनका ये भी कहना है कि जो मेरी सैलरी है वो 3.5 लाख थी एंड बिना किसी जस्टिफिकेशन के उसको 1.5 लाख सिर्फ कर दिया है। तो क्यों मेरी सैलरी कटी है मेरे को ये आज तक नहीं पता चला है। AIFF जहाँ भी लीगल रिव्यू की ज़रूरत होती है, उनको लीगल कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे कंसिडर नहीं कर रही है वो लीगल ऑफिसर्स। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि हरास भी करा जा रहा है एंड साथ ही में टॉर्चर भी करा जा रहा है। अगर बात करूं मैं इस रिपोर्ट की, तो ये उन्होंने ईमेल के थ्रू AIFF को भेजा है ये रिक्वेस्ट, एंड ये उन्होंने कहा है कि मेरे जितने भी ड्यूज पेंडिंग हैं वो मेरे को चाहिए हैं ताकि मैं अपनी फैमिली को रन कर पाऊँ आगे। एंड वी ऑल नो दैट अगर किसी की सैलरी आधी से भी ज़्यादा कम हो जाए तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। एंड ये एक और एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें पता चल रहा है कि AIFF एंड उनकी वर्किंग कितनी ज़्यादा स्लगिश हो चुकी है, कितनी ज़्यादा लैक ऑफ इंटरेस्ट से वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है। अब बात ये आती है कि क्यों ऐसे हो रहा है, जो पैसे मिल रहे हैं फ्रॉम गवर्नमेंट या फ्रॉम अदर अदर कंपनीज, वो कहाँ पे जा रहे हैं? वो सारे के सारे जेबों में जा रहे हैं इन बड़े बड़े ऑफिशियल्स के, एंड ये अपने ही AIFF के लीगल ऑफिसर्स तक को पैसे नहीं दे रहे, उनके पैसे काट रहे हैं बिना बताए उनके, उनको किसी लायक नहीं समझ रहे हैं। आपने लीगल ऑफिसर हायर करा है, आप उनकी कंसिडरेशन ही नहीं ले रहे हो, उनके रिव्यू ही नहीं ले रहे हो, उनका जो काम है उनसे वो ही नहीं ले रहे हो, प्लस उनको बिना बताए अगर उनकी सैलरी काट रहे हो, तो ये बहुत ही बड़ा एक जुर्म है अपने आप में। एंड अब बात करूं इसमें एक और चीज़ ये भी है कि जो अभी कोर्ट हियरिंग भी हुई है AIFF की पिछले कुछ सालों में, उसमें भी लीगल ऑफिसर्स की कोई राय नहीं ली गई, लीगल डॉक्यूमेंट्स उनसे नहीं पेश करवाए गए, तो टोटल फेलियर ऑफ AIFF एक बार फिर से दिख रहा है हमारे को। एंड ये भी इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट एंड AIFF रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं मेरी इस ईमेल का, मेरी इस दरख्वास्त का, मेरे इस ऑर्डर का, एंड पहले भी वो लिख चुके हैं कई बारी निलंजन भट्टाचार्य। तो ये दिख रहा है कि किस तरफ जा रही है हमारी इंडियन फुटबॉल, किस तरफ जा रही है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। छोड़ो 2047, वो स्कैम है, वो हम सबको पता है, जितने मर्जी ये फुटबॉल के कैलेंडर्स बना लें, जितनी मर्जी ये किट्स अपनी नई नई स्पॉन्सर्स ले लें, इंडिगो के साथ टाई अप कर लें, जो मर्जी कर लें, जब तक वर्किंग हमारी ठीक नहीं होगी मैनेजमेंट की, हम कहीं नहीं जा रहे, इंडियन फुटबॉल कहीं भी ग्रो नहीं हो पाएगी। बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस एलिगेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट आज 99%
वेन्यू डिसाइड हो चुका है हमारा, इंडिया वर्सेस कुवैत का जो हमारा होम मैच है वर्ल्ड कप क्वालिफायर का ऑन 6 जून, उसका तेलंगाना हैदराबाद को चूज करा गया है एज अ वेन्यू। बट एक यहाँ पे अब और ये मसला है कि क्यों हैदराबाद को चूज करा गया है। वेल ठीक है, AIFF अलग अलग वेन्यूज पे मैचेस करवाना चाहते हैं टू क्रिएट एन अवेयरनेस, ताकि प्लेयर्स को भी अलग अलग एटमोसफेयर मिलता रहे, वही सेम 3-4 स्टेडियम्स में वो ना खेलें। बट इतने बड़े कैलिबर का मैच इंडिया वर्सेस कुवैत, वो मैच की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे को अफगानिस्तान वाले मैच से इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है टू बी ऑनेस्ट, जो मार्च में है। तो फिर जून में जो हमारा मैच होगा होम, वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होल्ड करेगा इंडियन फुटबॉल टीम के लिए टू द गोल ऑफ राउंड 3। बट आप ऐसे उसमें रख रहे हो स्टेडियम में जहाँ पे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, जहाँ पे बड़े मैचेस कभी भी एज सच हुए नहीं है, क्या वो स्टेडियम होस्ट कर सकता है? उसकी इंस्पेक्शन अभी AIFF करेगी एक बार, मैच की जब ऑफिशियल डेट आएगी, ऑफिशियल वेन्यू जब इंडियन फुटबॉल फेडरेशन अनाउंस करेगी, उससे पहले एक बार ही इंस्पेक्शन करेगी जरूर AIFF के, वो AFC के जो क्राइटेरिया है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैचेस को होस्ट करने का, वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है हैदराबाद का स्टेडियम या नहीं। बट आई थिंक प्रूवन स्टेडियम्स को ही इतने बड़े कैलिबर के मैच देने चाहिए। सैफ आप टूर्नामेंट करा सकते हो उन स्टेडियम्स में, इंटरकॉन्टिनेंटल कप जैसे जो टूर्नामेंट्स होते हैं, या फ्रेंडलीज आप करवा सकते हो, बट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का जो मैच है वो आप हैदराबाद में करा रहे हो, जहाँ पे कभी इतना बड़ा मैच नहीं हुआ है। क्या ये सही है या क्या ये गलत है, आने वाले टाइम में हमारे को पता चल जाएगा। बट 99% हैदराबाद में ही इंडिया वर्सेस कुवैत का मैच होगा। कहाँ पे हम सोच रहे थे कि कोची, दिल्ली, गोवा, कोलकाता, ऐसे स्टेडियम्स में होंगे मैचेस, बट लेट्स होप कि हैदराबाद में भी अगर हो रहा है मैच तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले हमारी टीम को, अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटी मिले, अच्छा ग्राउंड मिले, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन।